If you have lost your smile, Bhutan will find it. If your eye wanders, Bhutan will catch it. If your soul is hungry, Bhutan will feed it. With that note, welcome to our channel. And if you haven't subscribed to our channel, do consider subscribing for more interesting and informational travel videos. Bhutan has recently opened its doors for tourists after 2.5 years post-pandemic in September 2022. And since then, we have been getting a lot of questions regarding its itinerary, budget and guidelines. Because we have been to Bhutan before, that too on bike. So we have decided to make a detailed video to answer all your questions based on our experience and the new guidelines. और अगर आप भी भूटान की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए क्योंकि हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं आपके साथ. Also, this would be the only video that you need to watch to plan your trip. और इस वीडियो में जो पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं वो है बजट, वीजा कॉस्ट, हाउ टू रीच भूटान, आइटनरी. और हम इसमें दो आइटनरीज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जिसमें हम लोग मेन अट्रैक्शंस एंड ऑफ बीट प्लेसेस कवर करेंगे एंड बेस्ट टाइम टू ट्रैवल टू भूटान. एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं इज हाउ टू रीच भूटान. भूटान जाने के लिए अगर तो आप फ्लाइट ले रहे हैं तो आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल सकती है पारो तक के लिए. सेकंड ऑप्शन ये है कि आप सिलीगुड़ी तक जाइए फ्लाइट से, वहां से आप टैक्सी हायर कर सकते हैं फेंचुलिंग के लिए जो कि फर्स्ट सिटी है भूटान की, और वहां तक पहुंचने में आपको लगेंगे 3 आवर्स. और टैक्सी अप्रॉक्सीमेटली हमें पड़ी थी 2500 to 3000 रुपीज फॉर 2 people. एंड लास्ट ऑप्शन इज आप ट्रेन से जा सकते हैं, ट्रेन आपको लेके जाएगी हाशिमारा तक, वहां से आप कैब हायर कर सकते हैं फेंचुलिंग के लिए. फेंचुलिंग इज द फर्स्ट सिटी व्हेन यू एंटर फ्रॉम इंडिया एंड इंटरेस्टिंगली फेंचुलिंग एंटर करने के लिए आपको परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो चलिए अभी वीजा की बात करते हैं. Although Bhutan is a visa-free country for the citizens of India, Bangladesh and Maldives, but still you need to have a permit to enter Bhutan, which has a certain cost. Agar aap India se by road aa rahe hain to aapko Fenchulin immigration office se permit lena hoga. For this you need to have a valid passport or a voter ID card and the itinerary of your trip. Fenchulin se aapko Thimphu, Paro aur Punakha ka hi permit milega, but agar aap Bhumtang, Gangtehar Valley visit karna chahte hain to uska permit aapko Thimphu jaakar इमिग्रेशन ऑफिस से लेना पड़ेगा. ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आपको 1 or 2 hours में इमिग्रेशन ऑफिस से परमिट मिल जाएगा. बट इट इज एडवाइजेबल कि आप एक बफर डे रखें इन केस आपको इमिग्रेशन ऑफिस पर भीड़ मिलती है. एंड फुंचुलिंग इमिग्रेशन ऑफिस वीकेंड्स पर और भूटान नेशनल हॉलीडेज पर बंद रहता है, सो प्लान योर ट्रिप अकॉर्डिंगली. इन केस आप डायरेक्ट भूटान फ्लाई कर रहे हैं तो पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपको परमिट मिल जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ वीकेंड्स. एज आई सेड, भूटान एक वीजा फ्री कंट्री है फॉर द सिटीजंस ऑफ 3 countries, इंडिया, बांग्लादेश एंड मालदीव्स. बट परमिट लेने के लिए आपको एक कॉस्ट देना पड़ेगा विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस ईयर ओनली. भूटान गवर्नमेंट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी लगाई है फॉर द टूरिस्ट कमिंग फ्रॉम इंडिया, बांग्लादेश और मालदीव्स. And this fee is 1200 rupees per person per day. जो आपको number of days के according permit लेते time ही deposit करानी हो. Bhutan government ने ये conscious decision इसीलिए लिया है because Bhutan tourism believes in quality rather than quantity. And this fee will be used by the Bhutan government to promote and develop tourism in the country. This sustainable development fee is over and above your other expenses like hotel stays, guide charges, etc., which makes travel to Bhutan little expensive despite being a neighboring country to India. And for all the other foreign citizens, the cost is $200 per day per person. Next point is transportation and guide cost. भूटान की रोड्स बहुत अच्छी हैं और अगर आप अपनी कार लेके जाने का सोच रहे हो तो भूटान टूरिज्म ने एक एडिशनल कॉस्ट ऐड करी है विच इज 4700 रुपीज पर डे. इन एडिशन टू इट देयर इज अ टैक्स विच इज 600 रुपीज विच इज अ वन टाइम कॉस्ट जो आपको देना पड़ेगा.
एंड दिस मेक्स दिस ऑप्शन अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव। अनदर ऑप्शन इज आपको यहाँ पे बाइक भी रेंट पे मिल जाती है जो कि हमें पड़ी थी 1500 रुपीज पर डे। दिस कॉस्ट हैज नाउ बीन इंक्रीज टू डबल। देयर आर फ्यू थिंग्स टू कंसीडर इफ यू आर टेकिंग योर व्हीकल विद यू या फिर आप भूटान से रेंट करते हैं। यहाँ के ट्रैफिक रूल्स काफी स्ट्रिक्ट हैं और लेन ड्राइविंग यहाँ पे काफी स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है। यहाँ पर कहीं भी आपको ट्रैफिक लाइट नहीं मिलेगी एंड इफ यू सी समवन क्रॉसिंग द रोड यूजिंग ज़ेब्रा क्रॉसिंग तो आपको उनको पास देना पड़ेगा, अदरवाइज कॉप्स विल कैच यू। एंड इफ यू आर पेडेस्ट्रियन तो आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करनी पड़ेगी। भूटान इज अ नॉइज फ्री कंट्री एंड अननेसेसरी हॉन्किंग इज नॉट अलाउड इन भूटान। Another transportation option is कि आप टैक्सी हायर कर सकते हो, which again is an expensive option. For example, अगर आप Phenshiling से थिम्फू जाना चाहते हो तो it will cost you around 3,000 to 4,000 rupees. इन सब में एक और ऑप्शन है जो आप कंसिडर कर सकते हो which would be little reasonable, कि आप अपने गाइड से बात कर सकते हो और वो आपको रीजनेबल रेट्स पे टैक्सी हायर करा सकते हैं। स्टेज का एक्सपेंस कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर बजट, ऑन योर लग्जरी। अगर आप 3-star होम स्टेज चूज करेंगे तो आपको 3,000-3,500 के अप्रॉक्स पर डे पर पर्सन की कॉस्ट पड़ जाएगी। बट इट इज मैंडेटरी टू बुक अ 3-star होम स्टे और अ होटल विच इज अप्रूव्ड बाय भूटान गवर्नमेंट। तो जो हमारे फिक्स्ड कॉस्ट है SDF प्लस आपका गाइड चार्जेस एंड द होटल स्टे डिपेंड्स ऑन यू, तो आपका बजट उस हिसाब से इंक्रीज हो जाएगा। फ्रॉम दैट पॉइंट गाइड, यस गाइड इज नाउ मैंडेटरी फॉर इंडियंस टू। You have to be accompanied by a guide throughout your trip, जो कि recently Bhutan Tourism ने एक clause add किया है, if you are going beyond Thimphu and Paro. And there are few reasons why guide is important in Bhutan. क्योंकि भूटान की हिस्ट्री इज नॉट अ रिटन हिस्ट्री, इट्स एन ओरल हिस्ट्री, और यहाँ के गाइड ही आपको यहाँ की हिस्ट्री के बारे में और जो जगह आप जा रहे हैं उसके बारे में डिटेल में बता सकते हैं। Initially, guides were not mandatory for Indian tourists, but there has been many incidents by Indian tourists who were not accompanied by a guide, have created a nuisance and disrespected their culture. So, Bhutan Tourism has to impose that laws. और एक सबसे famous जो यहाँ का incident है कि एक biker जिसके साथ guide नहीं था, he stepped over one of the chotan just to click few pictures, which is very disrespectful. और एक incident जो हमने face किया when we were at Tiger's Nest. Tiger's Nest Monastery पे हमें कुछ tourist मिले जो कि shout कर रहे थे बहुत ज़्यादा, और हमारे guide ने उन्हें बोला कि please आप shout मत करिए क्योंकि यहाँ पे monks meditate कर रहे होते हैं and it will disturb them. And due to such incidents, Bhutan government have imposed this guideline that Indian tourist will have to accompanied by a guide. और यहाँ पे आपको guide throughout the trip के लिए ही hire करना पड़ता है and is not like in India कि आपको किसी fort या palace के बाहर guide मिल जाएंगे जो आपको वो जगह घुमा देंगे. And guide will cost you around 1500 to 2000 rupees per day. Yes, this is an additional cost. और अब कर लेते हैं बहुत ही important topic पर बात जो कि है itinerary. यहाँ पर हम दो आइटनरीज डिस्कस करेंगे, एक जो 6 to 7 days की आइटनरी होगी स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया जिसमें भूटान की मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस कवर होंगी थिम्फू, पारो एंड पुनाखा, एंड द सेकंड आइटनरी वुड इंक्लूड ऑल द ऑफबीट प्लेसेस लाइक भूमतांग, हा वैली, गांगते, फोमचिका। वी फॉलोड अ 12-day आइटनरी ड्यूरिंग आवर विजिट टू भूटान, हमने काफी ऑफबीट प्लेसेस एक्सप्लोर की। तो पहले हम 6 to 7 days की आइटनरी डिस्कस कर लेते हैं जिसमें आप बाय रोड भूटान एंटर कर रहे हैं। सो ऑन योर day 1, if you're starting from let's say Delhi, you can reach Bhutan very easily on your first day. Aap first night Phenshiling mein ruk sakte hain and on your day 2 aap apna immigration process complete kariye and head towards Thimphu, which would take 5 hours from Phenshiling to Thimphu, considering aap kuch viewpoints par rukenge bhi raste mein. Thimphu is the capital city of Bhutan and in case you reach on time to aap shaam ko wahan ka market visit kar sakte hain, cafes visit kar sakte hain, wahan par karaoke bars bhi hain, to you can opt for those also and actually see a nightlife in Bhutan. And on your third day, aap Thimphu ke nearby areas explore kar sakte hain, jaise ki Buddha Dorma, the viewpoint, and 14 kilometers from Thimphu, there is a very secluded offbeat one-day hike, which is a hike to Tango Monastery. It was under construction while we visited, but we did this on our second day in Thimphu. And on your day 4, aap Thimphu se Punakha ke liye nikal jaiye and start your day with visiting Khamsam Namgyal Chotin, then head to Punakha Zone
long, and in the evening you can visit the longest suspension bridge in Bhutan. Punakha Monastery is the most beautiful monastery we have ever seen in our life. It is a must visit in Bhutan. और आप ये night Punakha में रुके, यहाँ पर बहुत सारे अच्छे homestays हैं. On your way from Thimphu to Punakha, you'll cross Dachula Pass, and on day 5 leave for Paro. Paro Bhutan की बहुत ही beautiful सी city है, and on this day you can consider visiting Paro Market, and यहाँ पर ही international airport है Bhutan का. Since आप travel कर रहे होंगे Punakha से Paro, तो आज का दिन आप market visit कर सकते हैं, monastery visit कर सकते हैं, और आप Kichu Lakham जा सकते हैं, which is one of the oldest temples in Bhutan, and we've saved the best for the last. Bhutan की iconic जगह Tiger's Nest, आप इसका trek start कर सकते हैं, which will take around 3 to 4 hours to reach the monastery, and this is going to be the most beautiful place in Bhutan. By evening आप वापस आइए, either you can opt for Paro Market or just go and relax in your hotel. हम लोगों ने intentionally अपनी trip पर Tiger's Nest को last में रखा था, because this is an entire day trek, and evening में आकर हमने hot stone bath का experience लिया, relax किया, and on the next day you can leave for India. और अगर आप कुछ offbeat जगह explore करना चाहते हैं और ऐसी जगह जाना चाहते हैं जो regular itineraries में include नहीं होती, first place on the list is Bhumtang, which is also called as the heart of Bhutan. यहाँ पे आपको बहुत सारे old temples and monasteries मिलेंगी. Another place you can go here is Burning Lake. काफी fascinating name है and is equally fascinating to visit. इसके बाद आप add कर सकते हैं Gangte and Phobjikha. Phobjikha में बहुत बड़े meadow areas हैं और यहाँ पे black neck cranes migrate होके आते हैं in the month of October and November. और इसी time पे यहाँ पे black neck cranes का festival भी होता है. यहाँ पे एक museum भी है dedicated to black neck cranes. जब हम Bhutan गए थे तो we were not aware of this festival, but we got surprised to see black neck cranes when we arrived there. Another place you can add to your list is Ha Valley. Ha Valley से बहुत सारे hikes and treks start होते हैं. Ha Valley में ही Bhutan का सबसे पुराना homestay भी है जहाँ पे हम रुके थे. Ha Valley के रास्ते में ही आता है Chelela Pass, which is the highest point in Bhutan. और यहीं पे है Bhutan में Indian Army के headquarters. इन जगहों को include करने के लिए आपकी itinerary 10 to 12 days की रहेगी. Bhutan वैसे तो नेबरिंग कंट्री है इंडिया की, एंड इट्स करेंसी इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू इंडियन रुपीज, बट अगर आप ओवरऑल सब कुछ कंसिडर करें तो दिस इज नॉट अ बजट कंट्री टू विजिट. इट गेट्स क्वाइट एक्सपेंसिव टू विजिट, एंड रीसेंट चेंजेस की वजह से आपको एक कॉस्ट भी देनी पड़ रही है विच वॉज नॉट देयर अर्लियर. दिस मेक्स इट मोर एक्सपेंसिव, बट ओवरऑल इट्स एन एक्सपेंसिव कंट्री टू विजिट क्योंकि इसमें काफी सारी एडिशनल कॉस्ट एड हो जाती है, एंड द मोस्ट चंक गोज टू द एसटीएफ एज पर द न्यू गाइडलाइंस. सो अगर आप भूटान का प्लान कर रहे हैं तो डोंट कंसिडर इट एज अ बजट कंट्री टू विजिट. दिस विल स्लाइटली गो ऑन अ हायर साइड. बेस्ट टाइम टू ट्रैवल टू भूटान इज समवेयर फ्रॉम मिड मार्च टिल नवंबर एंड. दिसंबर से मार्च में भी लोग ट्रैवल करते हैं, बट कंसिडरिंग वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है इसलिए आप वो मंथ्स अवॉइड कर सकते हो. वी हैव ट्राइड टू कवर एवरीथिंग इन दिस वीडियो, एंड इफ यू नीड एनी अदर इन्फॉर्मेशन do leave a comment. Also, you can DM us on Instagram as well. Although जब हमने भूटान विजिट किया था तो कोई भी ओवरहेड परमिट कॉस्ट नहीं थी. The entry was completely free. But we must say कि अगर 1200 per head आपको पे करना भी पड़ रहा है तो भूटान is completely worth it. It's a very unique place to visit. So this should be in your travel bucket list. Like, share, subscribe, and don't forget to hit the bell icon. See you in another one. Bye. Do check us out on Instagram and follow for more interesting real-time stories.